राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में कई परियोजनाएं जल्द पूर्ण होने एवं कई परियोजनाओं की मंजूरी मिलने की उम्मीदें हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रतीक्षित हवाई अड्डा निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल के चयन के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दिया है। वहीं राजगीर में निर्माणाधीन खेल अकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गति आने की उम्मीद है। पंच पहाड़ियों से घिरे और मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने में समेटे राजगीर में ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की भरमार है। राजगीर और पूरा इस क्षेत्र की बात करें, इसको इसका पर्यटन का विकास किया जाएगा, समग्र विकास की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक बहुत हर्ष का विषय है। बहुत उत्साहित हैं हम, बहुत प्रसन्न है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक महीना पूर्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधारे थे और उन्होंने जब इस नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया तो उन्होंने ये भाव व्यक्त किया था कि नालंदा से आज से उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा इसका स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी घोषणा थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का उद्घाटन किया था और उस समय से ही राजगीर के विकास की बात होने लगी थी। पर्यटन स्थल राजगीर में नेचर और जू सफारी, रोपवे, गर्म कुंड के झरने, विश्व शांति स्तूप पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश के लाखों पर्यटक यहां आते हैं। और पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री आया कर करके नए भवन का उन्होंने उद्घाटन किया और ताकि देश विदेश के सारे विद्यार्थी यहाँ उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उतना ही नहीं, वर्तमान समय में देखिए हवाई अड्डा, क्योंकि हवाई अड्डा जब बन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी लोग हैं यहाँ आएंगे और पर्यटन के तौर पर यहाँ आएंगे और पर्यटन का भी विकास भी होगा। सीतारमन जी का जो बजट आया है और खास के हमारे बिहार के राजगीर पर्यटक स्थल के बारे में या उस जगह के लिए उन्होंने जो चहुमुखी विकास के लिए जो बजट में राशि जो मंजूरी दी है, बहुत ही सराहनीय कदम है। राजगीर हमारे भारत देश का ही नहीं, वो जानते हैं कि यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर नालंदा के पर्यटन स्थल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी इस बार के बजट में राजगीर और नालंदा के पर्यटन स्थल के लिए विशेष सहायता की बात कही गई है। केंद्र और बिहार सरकार की मदद से इस पर्यटन स्थलों का विकास काफी तेज होने की उम्मीद है, जिससे देश विदेश के पर्यटक यहां के गौरवशाली अतीत को जान पाएंगे, साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए राजगीर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।